हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बी टे बिग टेक में स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मैं यूट्यूब पर वीडियो डाल रहा हूँ। बिजी हो रहा था, लेकिन दोस्तों फिर से हम यूट्यूब पर वापस आ रहे हैं। दोस्तों, हम हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियो डालते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर आपके लिए अच्छा रहेगा, सबसे बढ़िया 2020 का। इससे बढ़िया स्क्रीन रिकॉर्डर आपको कोई भी नहीं मिलेगा। मैंने सभी को यूज़ में लिया, लेकिन कोई भी परफेक्ट रूप से काम नहीं करता। लेकिन यह है बिल्कुल सही है, बिल्कुल साउंड रिकॉर्डिंग क्लियर है, अच्छी तरह से काम करता है, वीडियो क्वालिटी अच्छी बनती है। जैसे हम प्ले स्टोर पर जाते हैं, बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर अवेलेबल हैं, जैसे ये बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर अवेलेबल हैं। मैंने सभी को यूज़ में लिया, लेकिन कोई भी काम नहीं करता। मैं बता देता हूँ आपको कि मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डर है, ईरा ड्यू रिकॉर्डर है, ये आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा। येरा इसकी सेटिंग्स मैं बता देता हूँ, वीडियो रेजोल्यूशन देख लो, 720 है इसमें, 1080 बहुत ही अच्छा है। वीडियो क्वालिटी आप 8 Mbps से 12 Mbps तक है। FPS बहुत अच्छा है इसका। वीडियो ओरिएंटेशन, वीडियो को हम आड़ा तीखा कैसा भी कर सकते हैं। रिकॉर्ड ऑडियो, ऑडियो भी इससे हो जाती है, चालू रख लेते हैं यहाँ से। वीडियो लोकेशन यानी स्टोरेज कहाँ पर करना है, वो एक्स्ट्रा सेटिंग है। वीडियो इनवर्ड कलर, वीडियो के जो कलर होते हैं उसको भी चेंज कर सकते हैं। अब ये इसकी सेटिंग्स हैं जो हमें आपको बता रहे हैं। ये एरा हाइड एंड रिकॉर्ड विंडो वैन रिकॉर्ड, ये इससे आपको जो दिखाई देता है कि आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है वो दिखाई देगा, या उसको बंद भी कर सकते हैं हम। ये इसकी सेटिंग्स हैं। ये काउंट डाउन है, यानी स्क्रीन रिकॉर्डर करने के ऑन करने के 10 सेकेंड या 5 सेकेंड जो भी सेट कर सकते हैं। मैंने 3 सेकेंड सेट किया है, वो सेट कर सकते हैं। ये इसकी हाइड द रिकॉर्डिंग बटन ऑन होम पेज, इसको हम छुपा भी सकते हैं यहाँ से, चालू करते दिखाई नहीं दे रहा और रिकॉर्डिंग चालू रहेगी। अब ये कीप रिकॉर्डिंग बहन स्क्रीन इज ऑफ, जब रिकॉर्डिंग चालू हो तो स्क्रीन को यहाँ से भी बंद कर सकते हैं, पता भी नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से ये इसमें और भी टूल्स हैं, जैसे स्क्रीन शॉट का भी ऑप्शन आता है, इसको भी चालू कर सकते हैं। कैमरा का ऑप्शन, इसको भी चालू कर सकते हैं। GIF रिकॉर्डर भी, इसको भी चालू कर सकते हैं। ये टच, जो भी टच करते हैं हम बटन दबाएंगे वो भी चालू हो जाएगा यहाँ से। ये आप यहाँ से वाटर मार्क को डिसेबल कर सकते हैं। ये ब्रश है, इसको भी चालू कर सकते हैं। यहाँ से आवाज़ चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से आप अपना पर्सनल कोई भी लोगो डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। इसमें वीडियो एडिटर भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, इन सब सेटिंग्स को ऑन करने के लिए यह एक परमिशन चाहता है, वो परमिशन क्या होती है वो भी आपको बता दूंगा अगली वीडियो में। लेकिन दोस्तों, इस आपको यह ड्यू रिकॉर्डर मिलेगा था यह आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको अपने ब्राउज़र पर जाना होगा, जैसे मैं क्रोम पर गया,
यहाँ पर जाते हैं, यहाँ आपको डालना होगा ये। अब जो ये आ रहा है ऑप्शन ड्यू रिकॉर्डर, इसको डाउनलोड कर लेना है। ये विंडो का ऑप्शन है, ये रहा एंड्रॉयड वाला ऑप्शन, जो ये इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। ये रहा ऑप्शन, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। इस तरह इससे बढ़िया आपको स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं मिलेगा दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियो डालता हूँ दोस्तों। ये मेरा चैनल है, ये मेरा चैनल है, आप इसी तरह मेरे देखो। मैं इसी तरह टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियो डालता हूँ आपके लिए, जो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। धन्यवाद।